का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी। और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहां के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है क्या उसमें आरक्षण होगा? हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।